नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पंचाल रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक। जनरली ये जो केक है या किसी भी तरह का केक है वो बच्चों के लिए बनता है, लेकिन स्पेशली टूटी फ्रूटी केक मैं अपने लिए बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। हम दोनों को बहुत पसंद है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब भी आप केक बनाएं तो पहली टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि आप कोई भी चीज़ या कोई भी इंग्रेडिएंट्स फ्रीज में से ना निकालें। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैंने ये एक एयर टाइट ये डिब्बा रखा है, तो इसी में मेरे सारे हर तरह के केक बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स इसी में हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे मिल्क पाउडर है, इसके साथ ये बेकिंग पाउडर है, ये सारी चीज़ें आप है ना ऐसे डिब्बे में रखेंगे तो आपको केक बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा और केक भी आपका बहुत ही बढ़िया बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोको पाउडर है, साथ में सूजी है, मैदा है, इसके अलावा यहाँ पे ये कॉर्न स्टार्च है, वो भी मैंने इसी डिब्बे में रखा है, और कुकिंग सोडा है जो जनरली यूज़ होता है केक में, वो भी हम इसी में रखेंगे। और इसके साथ साथ ये है कस्टर्ड पाउडर। अब टूटी फ्रूटी केक में हम ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर लगेगा। और इसके साथ साथ सारे जो एसेंस है, जैसे पाइनएप्पल एसेंस है, वेनिला है, वो सब मैंने इसी में रखा है। तो जब भी आप केक बनाएं तो एक ऐसा एयर टाइट कंटेनर आप रखें जिसमें केक की सारी सामग्री उसी में रखें, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको केक बनाना। और सिर्फ एक जो मिल्क है, जो दूध है, वो हम गुनगुना इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए टूटी फ्रूटी केक बनाना शुरू करते हैं और चलते हैं किचन में। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप जितनी शक्कर, साथ ही इसमें जाएगा मिल्क पाउडर 1/4 कप जितना, और उतना ही हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच जितना कुकिंग सोडा ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ड्राई मिक्सचर हमारा बनके तैयार है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 टेबल स्पून जितनी टूटी फ्रूटी ली है, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे छान लेना है। अब ये जो केक है फ्रेंड्स, वो हम बनाएंगे बाटी बनाने वाले कुकर में, तो गैस ऑन करेंगे और ये जो तंदूर है वो इस पे रख देंगे इस तरह से धीमी आंच पे। और जनरली जब हम बाटी बनाते हैं तो जाली इस तरह से रखते हैं, लेकिन जब हम केक बनाएंगे तो जाली को इस तरह से रखेंगे। इसका ढक्कन लगा लेंगे और 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट होने देंगे धीमी आंच पे। अब केक बनाने के लिए ये जो टिन है इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से उंगली से भी ऑयल लगा सकते हैं, साथ साथ में ये जो बटर पेपर है वो भी लगा लेंगे और इसे भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल आप मत लगाना, हल्का सा इसे ग्रीस करेंगे। एक बड़े बाउल में हम ले लेंगे 1/2 कप दूध, साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेश लेमन जूस और 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें सोयाबीन ऑयल ऐड करेंगे। बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ये जो ड्राई मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमें फ्रेंड्स इसे मिक्स करना है और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसे इस तरह से हिलाना नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और कंसिस्टेंसी सेट कर देंगे। इसके लिए हमें रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए केक बनाने के लिए, तो थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम। और परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे टूटी फ्रूटी।
तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी केक के लिए बनके तैयार है। तो फटाफट से इसे केक बनाने वाले बर्तन में डाल देंगे और ऊपर से आप थोड़ा सा टूटी फ्रूटी से गार्निश कर सकते हैं। अभी देखिए ये प्रीहीट हो गया है बहुत अच्छे से, तो ये बर्तन है वो इस तरह से सेंटर में रख लेंगे, इसे कवर कर लेंगे और 35 मिनट्स तक बेक होने देंगे। और आफ्टर 35 मिनट्स टूथपिक से हम चेक करेंगे, बिल्कुल क्लीन निकल के आ रही है, मतलब केक हमारा बनके तैयार है। इसे कवर कर लेंगे और ताकि अंदर से ये मॉइस्ट रहे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो ये फ्रेंड्स टूटी फ्रूटी वाला बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी और बहुत ही मॉइस्ट केक हमारा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और इस तरह से ये केक एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।